जब पवित्र आत्मा आएगा हम हमें सिखाएगा पाप के बारे में, न्याय के बारे में वो हमें सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा के बारे में हम सुनते थे, वो पवित्र आत्मा सबको बात करते हमारे अंदर बोलते रहते हैं पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आज बोले मुझे, ओ मैं योग्य नहीं, आपके सेवा के लिए योग्य नहीं हूँ। वो आपको छोड़ के गया था पवित्र आत्मा, अभी आओ मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ मैं पाप किया है, आपको छोड़ के गया, अनुसरण तो नहीं किया, मैं आपको सुनते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते। वो मैं संसार का व्यक्ति है, वो संसार का इच्छा में चलते हैं, वो पवित्र आत्मा से चलने वाला आदमी नहीं है, वो संसार की इच्छा में चलने वाला आदमी है। तुम इस संसार को ना तो प्यार करो और संस्कार के चीजों को, उन लोगों में पिता का प्रेम नहीं रहते। सचमुच मुझ में पिता का प्रेम तो नहीं है, वो पिता का प्रेम को छोड़ के मैं दूर गया, वो संसार को प्यार किया, वो संसार को वस्तुओं को प्यार किया, आंखों का लोभ, शरीर की वासना, धन संपत्ति का घमंड, इसके पीछे मैं गया। मैं एक उड़ाऊ पुत्र है, मैं एक उड़ाऊ पुत्र हूं, मैं दूर दूर गया, आपसे दूर गया। ओ पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे सिखाओ पाप के बारे में, न्याय के बारे में मुझे सिखाओ। ओ पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, सबों को स्पर्श करो। वो पाप के बारे में क्या क्या छोड़ना, कैसे जीवन बिताना हमको हमको सिखाओ। वो पवित्र आत्मा आओ, सब लोग प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आओ मुझे स्पर्श करो। आंखों बंद करके पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, आओ बोलो। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन
हालेलुया 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 पवित्र आत्मा उठा पवित्र आत्मा उठा पवित्र आत्मा उठा पवित्र आत्मा आओ आओ पवित्र आत्मा देखो शिष्यों के जीवन के बारे में हम सोचते हैं। पेत्रोस और दूसरे शिष्यों ने जब यीशु मर गया, मृतकों से जी उठा, वो पेत्रोस और दूसरे शिष्यों ने इसको विश्वास नहीं किया। पेत्रोस बोला, मैं मछली पकड़ने के जाता हूं। यीशु को बोला था, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने अभी वापस गया, उसके पुराना काम में वापस गया, दूसरे शिष्यों में उसके साथ गया, पूरा रात मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। ऐसा है हमारे जीवन में, जब हम ईश्वर को छोड़ के चले जाते, हमारे अपने रास्ते में चले जाते, हमारे जीवन में तकलीफ होते, परेशानी होती, क्योंकि हम ईश्वर को, जो हमारे सहाय दादा ईश्वर को छोड़ के अपने शक्ति में हम आश्रय रखते हैं। वो शिष्यों को पूरे रात काम करने में एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन यीशु उन लोगों को ढूंढने के लिए आते हैं। मेरे बच्चों, पूरा रात काम किया, उनको कुछ भी नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला, वो अभी कष्ट में है, वो जीवन में तकलीफ है। यदि उन लोग मुझे छोड़ के गया, फिर भी मैं उन लोगों को ढूंढ के जाऊंगा। वही हमारा ईश्वर, जो लोग उसको छोड़ के चले जाते, उन लोगों को ढूंढ के जाते, मेरे बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। उधर नदी के किनारे में आकर यीशु उनको पूछा, बच्चों कुछ मछली मिले है क्या, कुछ मछली मिला है क्या। वही ईश्वर हमें भी पूछते, मुझे छोड़ के तुम गया, पाप के मार्ग में गया, क्या फायदा मिला, कुछ फायदा मिला है क्या मुझे छोड़ के जाके, कौन सा रास्ता में तुम दूर गया। ओ जहां तुम छोड़ के गया, उधर आके यीशु तुम्हें बुलाते, मेरे बच्चों वापस आओ, मेरे बिना आपका जीवन विजयी नहीं हो सकते, तुम्हारा जीवन में बहुत तकलीफ हो गया, परेशान हो गया, हार गया, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के गया, मुझे मालूम है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। हम कैसे उसके छोड़ के गया, किन किन रास्ताओं में उसके छोड़ के गया, उड़ाव पुत्र जैसे पिता के प्रेम छोड़ के हम दूर गया है क्या, कौन सा पाप में हम फिर करके उधर रहते हैं, सुवर के साथ ऐसा रहते हैं, सुवर का वो खेच में कौन सा पाप में फिर करते, याद करो, स्वर्ग के खेच से
वो पुत्र ने ऐसा सोचा, उसका दिमाग ठीक हो गया। पहले पाप करने में उसका मन में पागल जैसे था, पागल जैसे। जब हम पाप करते हमारा दिल पागल जैसे होते, पाप इसके बिना मुझे नहीं सकते, ये शराब के बिना, नशा के बिना, वो तंबाक के बिना मुझे नहीं जी सकते, वही मुझे चाहिए, ऐसे सोचते। लेकिन उसका दिमाग ठीक हो गया, जब सब कुछ छोड़ गया उसका दिमाग ठीक हो गया, उसने अभी सोचा मैं उठूंगा, मेरे पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं बोलूंगा पिता आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैं पाप किया, आपका पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आपके पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं बहुत पाप किया, मुझे वापस आना चाहिए, आपका प्यार पीने का जरूरत है, आपके साथ रहने का इच्छा है, मैं आपके छोड़ के गया, आप मुझे नहीं छोड़ के गया, मैं आपके छोड़ के गया, मैं वापस आता हूं, ओ पिता मैं वापस आता हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। सारे पापों के बारे सोचो, अभी जो जो पाप किया उसको अभी हम छोड़ देता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जैसा उड़ाव पुत्र वापस आया, हम भी ऐसा क्षमा मांगता हूँ। ओ प्रभु क्षमा कर, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान। हृदय के गहराई से बोलिए क्षमा करो मेरे सारे पापों के बारे में। शराब पी के परिवार में भी तकलीफ किया, वो दूसरों को गाली दिया, झगड़ा किया, वो विचार किया और गर्भपात किया, चोरी किया, वो क्या क्या पाप किया, वो सबके बारे में भी पश्चाताप करो, क्षमा करो भगवान। हमारे ईश्वर क्षमा करने वाला ईश्वर है, हमारे लिए उसने अपने पिता परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को दिया, इस संसार को शिक्षा देने के लिए नहीं लेकिन रक्षा देने के लिए, हमें बचाने के लिए एकलौत पुत्र को दिया। वो पुत्र के रक्त द्वारा हमें मोचन मिला। क्षमा मांगो सब लोग, क्षमा करो भगवान, हृदय के गहराई से क्षमा मांगो सारे पापों के लिए।
मैं आपके घर में वापस आया हूँ, आता हूँ, मैं आपके छोड़ के गया, आपके घर में वापस आता हूँ, मुझे नहीं छोड़ देना, मुझे क्षमा करो, आपका प्यार के बारे में मुझे नहीं मालूम था, अभी समझ में आया, अब कितना प्यार करना ईश्वर है, मुझे क्षमा करो, मुझे फिर पाप नहीं करने की इच्छा नहीं है, अब मुझे स्वीकार करो पिता। हम अपने घर में वापस आते आया, बोलो अपने घर में वापस आया, अपने घर में वापस आया, अपने घर में वापस करके देखो, तुम्हारा पिता परमेश्वर आपके लिए इंतजार करते हैं। जब तुम उसके पास जाते, वो तुम्हें आलिंगन करके स्वीकार करते, वो मेरे बेटा वापस आया, मेरी बेटी वापस आया, मुझे बहुत खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, मेरे बेटा वापस आया। ओ देखो, उसके आंखों से आंसू बहाते हैं क्योंकि तुम वापस आया। बोलो, मैं फिर आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओ पिता, मेरे पिता, पिता उसके पुत्र को लहू से हमें शुद्ध किया, वो अपने लहू से शुद्ध करने के लिए यीशु के नाम से, यीशु के लहू से शुद्ध करने के लिए पवित्र मुझे कीजिए। यीशु के लहू से हम पवित्र हो जाते हैं, उसके गांवों द्वारा हम भले चंगे हुए हैं, उसके गांवों द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गया है। स्वीकार करो उसके लहू को, स्वीकार करो यीशु के लहू से हम पवित्र हो जाया। हम विश्वास करो, अब यीशु के लहू से हम शुद्ध हो जाते, विश्वास से उसके पवित्र लहू को स्वीकार करो, विश्वास से पवित्र लहू को स्वीकार करो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू
व्यभिचार में एक स्त्री को पकड़ा। मूसा के नियम में लिखा था जिनको व्यभिचार में पकड़ा है उसको पत्थर से मार डालना लिखा है। और लोगों ने एक स्त्री को पकड़ के यीशु के पास लाया, इनको व्यभिचार में पकड़ा क्या करेगा, उसको यीशु के पास लाया। यीशु उन लोगों को पूछा, अगर आपके बीच में कोई बिना पाप वो पहले पत्थर इसमें डालो, आपके बीच में कोई बिना पाप पहले पत्थर से इसके मारो, एक से बढ़कर सब निकल गया और सबों में पाप था। यीशु नीचे उसके अंगुली से लिखते थे। यीशु सिर उड़ा के उसको पूछा, बेटी कहाँ है वो, कोई तुम्हें शिक्षा नहीं दिया, कोई तुम्हें मार नहीं डाला? गुरु उन लोग नहीं किया, वो सब लोग गया। यीशु उसको बोला, बेटी मैं भी तुम्हें शिक्षा नहीं देता लेकिन फिर पाप नहीं करो। वही यीशु अभी आप सबको बोलते हैं, मैं भी तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूं लेकिन पाप फिर पाप नहीं करो। यीशु के नाम बुला के क्षमा मांगो, सब लोग घुटने टेके यीशु के नाम बुला के क्षमा मांगो। यीशु के नाम से हमारा पाप मुक्ति होते, क्षमा मांगो। यीशु बोलते अभी क्षमा करने के लिए तैयार है। यीशु के नाम बुला के क्षमा मांगो सब लोग। यीशु 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 ऊंचे आवाज से बुलाइए, यीशु क्षमा देने के लिए तैयार। यीशु 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 रो, सब लोग रो दे, रो रो कर क्षमा मांगो यीशु से। यीशु हमें क्षमा करते हैं। यीशु यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मेरा ईश्वर मुझ पर दया कर, यीशु मेरा ईश्वर मुझ पर दया कर, यीशु मेरा मुक्ति दादा मुझे दया कर। यीशु 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 सब लोग खड़े हो जा, गीत गावो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु हमके मुक्ति देते, क्षमा देते। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद करो, विश्वास करो। कल कल पाप स्वीकार का दिन है, पाप स्वीकार करना। हम बोलेगा कल दीदी।
कल पापसी घर का दिन है, हम पश्चाताप करना। जो कैथोलिक लोग है वो कैथोलिक लोग को पापसी घर कर सके। कितना लोग कैथोलिक है हाथ उड़ाओ। ओके, वो जो कैथोलिक नहीं है दूसरे लोगों को भी पाप, सब लोग ये लिख के तैयार करना। वो कागज में लिखेगा तो ठीक है, वैसा पाप स्वीकार के लिए। जो लोग कैथोलिक नहीं है उन लोगों के लिए प्रत्येक प्रार्थना भी रहेगा, वो आपका पापों के लिए थोड़ा क्षमा के लिए हम प्रार्थना करेगा परम प्रसाद के सामने। वो पाप स्वीकार तो नहीं है, लेकिन जो लिख सकते लिख के पाप लिख सके, इधर आके समर्पण कर सकते, हम प्रार्थना करेगा। इसलिए कल उपवास का दिन भी है, नाश्ता मिलेगा लेकिन दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। उपवास से प्रार्थना करना, कभी कभी हम उपवास से भी प्रार्थना करना। जो लोग गोली खाते हैं, वो बीमारी में है, गोली है लेते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा भोजन देगा। इसलिए हमको समझ मालूम होना कितना लोगों को अभी गोली खाते हैं, वो भोजन के बिना हम नहीं रह सकते। ऐसा लोग हाथ उठाओ, हमको थोड़ा नंबर मिलना। हाथ उड़ाओ ऐसा लोग वाले लोग। ओके, कल फिर भी देखेगा। ओके, सुबह में। ओके, अभी दूसरे किसी से बात तो नहीं करना। हमारे जो जो पापों के बारे में सोच के पश्चाताप करके, वो अभी हम सो जाते, पश्चाताप करके हम सो जाते रात में, पश्चाताप करके सो जाते। इसलिए किसी से बात नहीं करना, ईश्वर को क्षमा मांगना। वो हम सब पाप, वो सब बंधन छोड़ के, वो पाप स्वभाव छोड़ के ईश्वर के साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी अंतिम आशीर्वाद के लिए हम तैयार करते हैं, ईश्वर का अंतिम आशीर्वाद मिलने के लिए। Love.